Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we learn standard 10 subject Sanskrit and our topic is Abhyas 2 जिसमें आज हम विशेषण प्रयोग परिचय उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने forms of pronouns उसे हम continue करते हुए इसमें आज हम सर्व यानी कि all जो भी है उसके जो रूप है वह हम करेंगे, जिसमें यहाँ पे मैंने मिस्कलाइन के रूप लिखे हैं यानी कि पुलिंग के रूप लिखे हैं, और आज जो यह सर्व यानी कि और इसके तीन रूप हैं स्त्रीलिंग पुलिंग और नपुंसक लिंग, इसके रूप आज हम पढ़ेंगे। पर उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड कराऊंगा। विशेषण प्रयोग परिचय में हमने जो भी नाम से प्रोनाम से उसके बारे में पढ़ा, जिसमें व्हाट इज द एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव है वह क्या है, विशेषण है वह क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा था। जिस तरह से कोई छोटा सा सेंटेंस हो जैसे कि राम को वेदम पठति, तो यह जो छोटा सा सेंटेंस है उसे हम किस तरह से लार्ज करें, किस तरह से हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और जो वर्ब है उसमें उसे क्या हम जोड़ के जिस तरह से हमारा जो पद है जो हमारा सेंटेंस है उसके अंदर विशेषण जोड़ के किस तरह से उसे लार्ज करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम देखें तो यहाँ पे हमने फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस में अस्मद के यानी कि आई के जो रूप किए हैं वह सेम है, इसके बाद युष्मद के भी जो तीनों के तीनों हैं वह सिमिलरली आते हैं, तद के जो हैं वह ही सी और उट के अलग प्रोनाउंस बनाने पड़ते हैं क्योंकि स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, जो ही का जो है तो वह तो पुल्लिंग में ही आएगा और हम देखें तो सी का तो वो भी फेमिनाइन में आएगा, और जो आगे के जो इट वाले जो बच्चे वह नपुंसक लिंग में आते हैं। इसी तरह हमने यद के यानी कि हू के रूप सीखे, और उसके बाद हू के फेमिनाइन के मैस्कुलाइन के और नपुंसक लिंग यानी कि नेचर के भी रूप हमने सीखे। इसके बाद किम किम यानी कि व्हाट जो होता है उसके भी हमने मैस्कुलाइन के फेमिनाइन के और नेचर के रूप सीखे थे। आगे के वीडियो में मैंने आपको इदम यानी कि दिस के जो फेमिनाइन मैस्कुलाइन और नेचर के जो रूप थे वह सिखाए थे, और टुडे वी विल कंटिन्यू सर्व यानी कि ऑल के जो और मैस्कुलाइन के जो रूप है उसके बारे में हमने पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे फर्स्ट केस यानी कि प्रथमा विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक के रूप मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जहाँ एक वचन द्विवचन और बहुवचन के रूप मैंने लिखे हैं। अब हम यहाँ पे देखें तो सर्व सर्व यानी और जितने भी लोग हैं उनके यहाँ पे बात है फर्स्ट केस प्रथमा विभक्ति एक वचन का क्या बनेगा, सर्व यानी कि सभी लोग, फर्स्ट केस का द्विवचन यानी कि सर्व सभी बहुत सारे लोग, बहुवचन उसका बनेगा सर्व सर्वे, ठीक है। सेकंड केस सर्व द्विवचन बनेगा सर्वो, बहुवचन बनेगा सर्वान। अब यहाँ पे थर्ड केस हम देखें तो एक वचन का सर्वेण, द्विवचन बनेगा सर्वाभ्याम और बहुवचन बनेगा सर्वेहि, ठीक है। आगे हम फोर्थ केस में हम देखें तो एक वचन बनेगा सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः। फर्स्ट फिफ्थ केस हम देखें तो सर्वस्मात् सर्वाभ्याम एवं सर्वेभ्यः, यहाँ पे जो सर्व के यानी कि ऑल के जो रूप है यहाँ पे फर्स्ट केस और सेकंड केस से द्विवचन सेम प्रोसेस में आता है। नेक्स्ट थर्ड केस में और फोर्थ केस में और फिफ्थ केस में द्विवचन सर्वाभ्याम 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 वह भी सेम ही आता है। सिक्स्थ केस हम सर्व के रूप में देखें तो एक वचन का बनेगा सर्वस्य, द्विवचन बनेगा सर्वयोः एंड बहुवचन बनेगा सर्वयामो, ठीक है, क्या बनेगा सर्वेश। नेक्स्ट हम सेवंथ केस में यानी कि सप्तमी विभक्ति में सर्व का जो प्रोनाउन से वह बनाए तो एक वचन फॉर्म में क्या बनेगा सर्वस्मिनः, द्विवचन फॉर्म में बनेगा सर्वयोः एंड बहुवचन फॉर्म में क्या बनेगा तो सर्वेषु, यहाँ पे जो मिस्कलाइन के जो रूप है वह हमने देखे। नेक्स्ट हम देखें तत्सर्व यानी कि ऑल के फेमिनाइन के रूप हम देखें तो एक वचन द्विवचन और बहुवचन हम सेम ही प्रोसेस में रखते हैं फर्स्ट से लेके
सत्यवंत केस की जो बात है वह सेम ही आती है, सर्वा सर्व सर्वा, यह जो रूप है वह फेमिनाइन के रूप है, इसके रूप है फेमिनाइन के रूप है, जिसमें सर्वा सर्वे सर्वा। सेकंड केस बनेगा सर्वा सर्वे सर्वा। थर्ड केस बनेगा सर्वया सर्वाभ्याम एंड सर्वाभिः। थर्ड केस बनेगा सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः। फोर्थ केस बनेगा एकवचन बहुवचन और द्विवचन सर्वस्य सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः। फिफ्थ केस अब एकवचन में देखें तो सर्वस्य, द्विवचन में देखें तो सर्वाभ्याम और बहुवचन में हम देखें तो सर्वाभ्यः। यहाँ पे थर्ड केस फोर्थ केस और फिफ्थ केस फेमिनाइन में द्विवचन सेम प्रोसेस में आता है, बहुवचन भी देखें तो फोर्थ केस और फिफ्थ केस में सेम आता है। सिक्स्थ केस में यानी कि षष्ठी विभक्ति में हम देखें तो एकवचन बनेगा सर्वस्याः सर्वयोः सर्वाभ्याम। सेवंथ केस में हम फेमिनाइन के रूप में देखें तो सर्वस्याः सर्वयोः सर्वेषु, यह जो रूप बने यह सर्वे के यानी कि ऑल के, पहले हमने देखे मैस्कुलाइन के रूप, बाद में देखे फेमिनाइन के रूप, नेक्स्ट हम देख रहे हैं सर्व के, ऑल के जो नेचर के रूप है, नपुंसकलिंग के जो रूप है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, फिफ्थ के, सिक्स्थ के और सेवंथ के यानी कि पंचमी विभक्ति, फर्स्ट प्रथमा विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक सेम लिखेंगे, एकवचन द्विवचन और बहुवचन सेम ही लिखेंगे। क्या चेंजेस होते हैं इसमें, तो जो उसके फॉर्म के जो प्रोनाउंस हैं वह चेंजेस हो जाते हैं। नपुंसक लिंग की हम नेचर के जो हम रूप देखें इसमें फर्स्ट केस है एकवचन का सर्वम, फर्स्ट केस का द्विवचन बनेगा सर्वे, फर्स्ट केस का बहुवचन बनेगा सर्वाणी। क्या बनेगा, सर्वाणी। इस तरह से मैं आपको दिखाऊं तो हमें आगे इधर के जो रूप किए थे धीस के उसकी प्रोसेस में हम इसे रखें तो क्या चेंजेस होते हैं। यह हमें सर्व के कर रहे हैं, ठीक है, वह इदम के सर्व के, इदम का एक वचन क्या बन रहा था इदम, यहाँ पे सर्व का क्या बन रहा है सर्वम। कोई एक ही रूप हमने याद रख लिया तो जो नपुंसक लिंग के जो रूप है हम इजीली याद रख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए द्विवचन इमे तो सर्व का बनेगा सर्वे, इदम का देखिए इमानी तो यहाँ सर्व का बनेगा सर्वाणी, है ना। इसी तरह से सेकंड केस का सर्वम, यह बना एक वचन, द्विवचन बनेगा सर्वे, बहुवचन बनेगा सर्वाणी। फर्स्ट केस और सेकंड केस यानी कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति सेम ही प्रोसेस में आते हैं। थर्ड केस में हम देखें तो सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वे ही, यह जो रूप बने एक वचन द्विवचन और बहुवचन किसके, थर्ड केस के यानी कि द्वितीय विभक्ति के हमने बनाए। फोर्थ केस में हम देखें तो सर्वस्मे सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः। फिफ्थ केस हम देखें तो सर्वस्मात् सर्वाभ्याम एंड सर्वेभ्यः। फिफ्थ केस हम देखें तो सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः। सिक्स्थ केस हम देखें तो सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां। सेवंथ केस हम देखें तो सर्वस्मे सर्वयोः एंड सर्वेषु, यह जो रूप बने किसके बने नेचर के रूप बने, इसे हम कंटिन्यू करें तो सर्वम सर्वे सर्वाणी, इसे मैं रिपीट कर रही हूँ किसके रूप में सर्व के ऑल के नेचर के रूप यानी कि नपुंसक लिंग के रूप, सर्वम सर्वे सर्वाणी सर्वम सर्वे सर्वाणी सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वेहि सर्वस्मे सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु, यह जो रूप है यह ऑल के रूप है
आज यह जो अभ्यास 2 है उसे आज हम क्लोज करते हैं, क्योंकि बार उसका रिपीटेशन देखें तो विशेषण क्या है, तो जिस तरह से वाइल एक्सप्लेनिंग एडजेक्ट भेदकम विशेषण, जिससे हम अलग तरह से जो पहचाना जाए कोई सेंटेंस में, जैसे कि देखें तो बालकः प्रातःकाले मधुरं दुग्धं पिबति, यहाँ पे मधुरं दुग्ध क्या है, विशेषण है, तो उसके कारण जो विशेषण है, जो एडजेक्टिव है, वह पहचानने में आया। इसके हमने फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस में बहुत सारे रूप देखे, इदम के देखे, अस्मत के देखे, युष्मत के देखे, तद के देखे, हिसी इत के, यद के, हु के देखे, किम के, व्हाट के देखे, इसमें भी नेचर्स में नेचर सिमिलाइन और मुस्किलाइन के रूप देखे, इदम के रूप देखे और सर्व के रूप देखे, यह सारे के सारे रूप हैं फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस से, उसे हमें घर पे रिपीट करते रहना है, जिसके कारण हमारा जो ग्रामर का जो बेसिक है वह कंटेंट है जो अच्छी तरह से हमें याद रह जाए। इसकी जो एक्सरसाइज है उसे आप घर पे सॉल्व करें और अपनी नोटबुक्स में लिखें, और हाँ हमारी जो यह नोटबुक है उसका ग्रामर की 100 पेजेस की आप बुक बनाइएगा, जिसमें आप अभ्यास 1 मैंने आपके जो करा दिया है, अभ्यास 2 विशेषण प्रयोग इसके जो रूप हैं पीछे दिए गए हैं वो सारे के सारे रूप हैं वह बुक्स में लिखने के हैं, और उसके साथ उसकी एक्सरसाइज है उसे भी आप लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप इसे घर पे रिपीट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।